ग्वालियर जिले की चिन्नौर तहसील के अंतर्गत उरवा गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के समापन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी विभाग के स्टॉल लगाकर लोगों के समस्याओं के आवेदन लिए गए और मौके पर उनका निराकरण किया गया। मुख्य अतिथि प्रेम नारायण सिंह, प्रधान जिला न्यायाधीश ग्वालियर ने उद्बोधन में कहा, आम नागरिक के न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से अपने वाहनों का बीमा कराने की अपील की। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। 2 अक्टूबर 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले की 37 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया और शासन की योजना के बारे में बताया गया। इस मेगा शिविर में भी शासन के 16 विभाग उपस्थित हैं। कोई भी हितग्राही अपने विभाग की समस्या का निराकरण करा सकता है, योजनाओं की जानकारी ले सकता है और जिन योजनाओं में उसको लाभ होना है उन सबके कार्ड और पंजीयन यहाँ जो है हो रहे हैं। आज भी हमने कई सारी सहायता राशि माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जो है वितरित की गई है। और महिला बाल विकास की योजनाओं के तहत जो है यहाँ सहायता राशि प्रदान की गई थी, पेंशन जनपद जिला पंचायत उनकी तरफ से भी अलग अलग जो है योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ 15 विभागों के जो है बाकायदा जिला स्तरीय काउंटर लगे हैं जो इस सब का निराकरण कर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संपूर्ण भारतवर्ष और ये मेगा कैंप लगाए गए, इसीलिए लगाए गए ताकि लोगों को इसकी जानकारी, कानून की जानकारी, शासन की योजनाओं की जानकारी हो सके। और इसके लिए इस बार पूरे ज़िले में तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर 37-37 कैंप कम से कम हमने किए। हमने रैलीज भी निकाली, हमने निबंध प्रतियोगिता और अन्य विभिन्न माध्यमों से हमने इसमें इस बार इसका प्रचार प्रसार किया है। शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विधिक जागरूकता और विधिक सहायता किसी व्यक्ति को कैसे मिल सकती है, किन व्यक्तियों को मिल सकती है, किन व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोगों को बता रहे हैं। हमारा ऑफिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर में है, कमरा नंबर 35 में। किसी को किसी भी तरह की कानूनी समस्या है या शासन किसी योजना की समस्या है हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसी बात को जन सामान्य को पहुंचाने की, आमतौर से ऐसे होता है कि व्यक्ति पात्र होता है पर उसको जानकारी नहीं होती कि ऐसी भी कोई योजना है या कानून में किसका कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसको पास पैसे नहीं है और उसको पता ही नहीं कि शासन, हम उसको बेहतरीन वकील देते, टाइप टिकट हर खर्च शासन में। सर, आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम ये कब से शुभारम्भ किया है और आज क्या इसका? हाँ, माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश था कि 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बहुत वाइड स्तर पे कैंप लगाए जाएँ, गांव-गांव जन-जन, हमने सब गांव-गांव तक को टच किया है। और ये आज हमारा कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है और मैं समझता हूँ इसका लाभ काफ़ी लोगों को जी भारी मात्रा में पहुँचा होगा। उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ भी होंगे भविष्य में। समापन के मौके पर अशोक शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ वीरेंद्र गुप्ता, तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव, तहसीलदार व समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चिन्नौर से ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट।